बहुत पुरानी बात है, श्यामपुर नामक एक सुंदर गांव था। उस गांव में अंजलि नाम की लड़की रहती थी। अंजलि खूबसूरत, चुलबुली और अपने बड़े भाई अनुज की खास लाडली थी। एक दिन अंजलि कुएं से पानी निकालकर अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसे पेड़ के नीचे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। अरे ये क्या चमक रहा है, क्यों ना पास जाके देखा जाए। वो सहमती हुई पेड़ के पास गई। अरे वाह, ये तो कितना सुंदर आईना है, इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी और अपने कमरे में सजाऊंगी। रोज सुबह उठकर इसमें अपना चेहरा देखूंगी। इस आईने में तो मेरी खूबसूरती निखर के आएगी। अंजलि पानी का घड़ा नीचे रख के आईना हाथ में उठाती है, पर जैसे ही वो उसमें अपना चेहरा देखती है, डर के मारे उसके पैरों तली जमीन खिसक जाती है। उसको आईने में अपनी शक्ल की जगह एक भयानक और बदसूरत चुड़ैल दिखाई दी। चुड़ैल आईने के अंदर से उसको देखकर हंस रही थी। उसकी लाल फटकर बाहर आती हुई आंखें और बड़े बड़े नुकीले दांत देखकर अंजलि के होश उड़ गए। बचाओ, कोई बचाओ मुझे इस भयानक चुड़ैल से, बचाओ बचाओ, और चिल्लाते हुए आईना फेंक दिया और भागने लगी। भागते भागते वो घर पहुंच गई। घर पहुंचने पर जब अंजलि की माँ और भाई अनुज ने उसकी शक्ल देखी तो वो घबरा गए। आप कौन है और रो क्यों रही है, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? माँ, ये मैं हूँ अंजलि, आप मुझे कैसे नहीं पहचान पा रही हैं? अरे अंजलि, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? अंजलि ने खुद को आईने में देखा और वो चिल्ला उठी। हाय, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया, मेरे चेहरे पर ये झुर्रियां और दाग धब्बे कैसे हो गए, अब मैं बाहर क्या शक्ल दिखाऊंगी। उसने ये सारी घटना घर वालों को बताई। जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, वो बहुत खतरनाक है, उसकी शक्ल ही देखकर मेरी डर के मारे जान निकल गई। आपको तो वो मार ही डालेगी, आप उसके पास मत जाइए भैया। तुम चिंता मत करो अंजलि, मुझे बताओ कि वो कहाँ रहती है, मैं उसे अभी जाकर सबक सिखाता हूँ। अंजलि के बताने पर अनुज उस पेड़ के नीचे पहुँचता है और उस आईने को वहाँ पड़ा हुआ देखता है। वो उसे उठाकर पेड़ के तने पर फेंक कर तोड़ने की कोशिश करता है, तभी आईने से एक हाथ निकलकर जोर से अनुज को धक्का मारता है। अनुज दूर जा गिरता है और आईना उसके हाथ से छूट जाता है। वो होश संभाल कर देखता है कि एक बदसूरत सी भयंकर दिखने वाली चुड़ैल उसके सामने खड़ी है। उसके पैर उल्टे हैं और चेहरा गला हुआ सा है, चेहरे पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। तुम कौन हो और क्या तुमने मेरी बहन की शक्ल खराब की है? मैं इसी आईने में रहती हूँ, हाँ मैंने ही तुम्हारी बहन की खूबसूरती उसे छीन ली है। मैं इस गांव में किसी भी औरत को खूबसूरत नहीं रहने दूंगी, सबकी खूबसूरती छीन लूंगी, और जो कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसके मैं टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगी। फिर वो अनुज की तरफ बढ़ने लगी। अनुज जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हुआ। शाम तक गांव में आस पड़ोस के लोगों को भी इस घटना की खबर मिली। काफी सारे गांववासी अंजलि के घर आए। उनमें से कई लड़कियों की शक्ल अंजलि की तरह झुलसी हुई बदसूरत दिखी। अरे बहन, तुम लोगों की भी शक्ल मेरी तरह झुलसी और दाग धब्बे वाली हो गई है, ऐसा कैसे हुआ तुम लोगों के साथ? उन लड़कियों ने बताया, हमारे साथ भी यही घटना हुई थी, उस चुड़ैल ने हमारी शक्ल हमेशा के लिए बर्बाद कर दी, आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा था। अरे हमने भी कोशिश की उस आईने को तोड़ने की, पर वो चुड़ैल बहुत ताकतवर है, उसने सबको डरा कर भगा दिया। क्या हम लोग एक साथ जाकर कोशिश करें उसे खत्म करने की? हाँ चलो उसे जाकर दिखाते हैं कि हमारी बहनों के साथ ऐसा करने का क्या अंजाम होता है। ठीक है, सब अपने हथियार लेकर चलो, उस पर हमला करें। रात को सारे आदमी एक साथ उस आईने के पास जाते हैं। एक आदमी उस पर लाठी से प्रहार करके उसे तोड़ने ही वाला होता है कि अचानक जोर की हवा चलती है और सब इधर उधर गिरने लगते हैं। चुड़ैल निकलकर आईने के बाहर आती है और उनके सामने जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगती है। तुम फिर आए हो यहाँ, लगता है तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। तुमने फिर भी मुझे दोबारा रोकने की कोशिश की, शायद तुमने अपना सबक नहीं सीखा है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये कहकर चुड़ैल अनुज और बाकी सबकी तरफ गुस्से से बढ़ती है। उसे देखते ही कुछ आदमी उठकर अपने हथियार लेकर उसकी ओर बढ़ते हैं
पर वो चुड़ैल जोर से चिल्लाती है और उन सब आदमियों को लेकर शीशे में कैद कर लेती है। शीशे से उन आदमियों की आवाज आने लगती है। अरे हमें बचाओ, ये हम कहाँ आ गए? यहाँ बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई हमें बाहर निकालो यहाँ से। चुड़ैल आईने के पास खड़ी होकर जोर जोर से हंसती है। मुझे मारने चले थे, मुझ पर वार करने चले थे ना तुम लोग, अब मजा आया? अंदाजा हो गया ना तुम सबको कि मैं क्या कर सकती हूँ। अनुज और बाकी बचे हुए कुछ आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। यदि मेरे आईने को नुकसान पहुँचाने की दोबारा कोशिश की तो तुम सबका भी यही हाल करूँगी। अरे जान बचाकर भागने में ही भलाई है। अनुज और बाकी बचे आदमी वहाँ से जैसे तैसे भाग निकलते हैं। वापस आकर वो लोग बाकी सबको इस घटना के बारे में बताते हैं। सब ये सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। शायद इस चुड़ैल का मुकाबला करना मुमकिन नहीं है, अब तो उसने हम में से कईयों को बंदी भी बना लिया है। पर हम ऐसे हार नहीं मान सकते, कोई ना कोई तरीका तो होगा उस चुड़ैल को खत्म करने का। अब क्या चाहते हो, वो हम सबको भी अपना कैदी बना ले? मैंने सुना है कि हमारे गांव के मुखिया बहुत ही समझदार इंसान हैं। हम सब उनके पास जाकर पूछते हैं, वो कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। सारे लोग गांव के मुखिया के घर की ओर चल दिए। उन्होंने मुखिया को पूरी बात बताई। वो चुड़ैल बेशक बहुत ताकतवर है, हम सीधे सीधे उस पर प्रहार करके उसको नहीं हरा सकते। यदि वो उस आईने में रहती है तो उसकी सारी शक्तियाँ उस आईने में ही होंगी। हमें कोई तरकीब सोचनी होगी जिससे हम उस आईने को तोड़ सकें। इस कोशिश में तो कल रात मेरे पति और गांव के कुछ लोग उस चुड़ैल के पास गए थे, पर उसने तो मेरे पति समेत कईयों को बंदी बनाकर उस आईने में कैद कर लिया है। अगर हम फिर से उसके पास गए तो वो उन्हें मार डालेगी। यदि हम कोशिश नहीं करेंगे तो उसको कभी नहीं हरा सकेंगे, और वो कभी भी तुम्हारे पति और बाकी कैदियों को आजाद नहीं करेगी। ना ही बहनों की शक्ल उसने बदसूरत बनाई है, वो ठीक हो सकेंगी। वो चुड़ैल ताकतवर है, पर यदि हम समझदारी से और साहस से काम लें तो एक उपाय है जिससे हम उसे खत्म कर सकते हैं। कैसी तरकीब मुखिया जी, आप हमें बताएं, हम उस चुड़ैल को कैसे मार सकते हैं और सबको उस चुड़ैल के जाल से आजाद कर सकते हैं। मुखिया ने सबको तरकीब समझाई। सबने मुखिया की तरकीब में एकजुट होकर काम करने का फैसला किया। उस रात को सारी महिलाएं मिलकर पेड़ के नीचे पड़े शीशे के पास जाकर खड़ी हो गईं और जोर जोर से बात करने लगी। अरे यही रहती है ना वो चुड़ैल जो सबकी खूबसूरती चुराती है, जिसने अंजलि, विमला, स्वाति, आशा सबका ये हश्र किया है और गांव के कई आदमियों को भी कैद कर रखा है। अरे वो तो कायर की तरह सिर्फ अकेली लड़की को ही शिकार बनाती है। हम सबकी खूबसूरती एक साथ चुरा कर दिखाए। तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है और गुस्से में गुर्राने की डरावनी आवाजें आने लगती है। सब डर कर सहम जाते हैं। वो बदसूरत चुड़ैल आईने से निकलकर गांव वालों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गुस्से में उसकी आंखें और भी लाल होती हैं। वो बड़े बड़े नाखून वाले हाथ बढ़ाकर महिलाओं की ओर बढ़ने लगती है। क्या कह रहे थे तुम लोग मेरे बारे में कि मैं तुम सबकी शक्ल साथ में खराब नहीं कर सकती? मेरी ताकत पर शक किया तुमने, अभी मजा चखाती हूँ सबको। अब मैं सिर्फ तुम लोगों की खूबसूरती ही नहीं छीनूंगी, मैं तुम सबको मार कर खा जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल महिलाओं की ओर बढ़ने लगी। तब तक अनुज एक बड़ा सा पत्थर लेकर पेड़ पर चढ़कर चुड़ैल के आईने से निकलकर बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही चुड़ैल आईने से दूर गई, उसने आईने पर निशाना साधते हुए ऊपर से वो पत्थर जोर से फेंका। पत्थर लगते ही आईने के टुकड़े टुकड़े हो गए। चुड़ैल भी जोर जोर से चीखती और कराहती हुई बोली, आह ये तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और देखते ही देखते खत्म हो गई। अंजलि और सारी लड़कियां जिनकी खूबसूरती चुड़ैल ने छीन ली थी, उनकी शक्ल वापस पहले जैसी हो गई। वो सारे लोग जिन्हें चुड़ैल ने कैद कर रखा था, वो भी आईने से बाहर निकल आए और बोले, आखिरकार हम बच गए। हम वहाँ से जिंदा लौट आए।